क्या तुम एक लड़के हो और तुम्हारा भी बचपन से तीन दोस्त है, और तुम तीनों ही दोस्तों का एक सपना था बचपन में, वो था गोवा जाने का। एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस, उसका ट्रेलर कल आया था एंड आई हैव टू से इट इज़ अ वेरी वेरी फन ट्रेलर। तो मैंने अभी तुम्हें जितनी स्टोरी बताई उसमें तुम ऐड कर दो गैंगस्टर वाला एलिमेंट, थोड़ा सा पुलिस वाला एलिमेंट और थोड़ा सा वो व्हाइट पाउडर वाला एलिमेंट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। दरवाजा खोलो, गोवा पुलिस। और इन सबको मिक्स कर दो एक फ्रेंडशिप वाले मूवी में एंड यू हैव मडगांव एक्सप्रेस। तो मूवी का ट्रेलर ना बहुत ज़्यादा फनी था, बहुत सारे जोक्स आने वाले हैं इस मूवी में, और जो भी उन्होंने वर्ल्ड क्रिएट किया है, जो भी प्रीमाइस है इस मूवी का, दैट लुक्स वेरी फन, जिसमें हमें एडवेंचर देखने को मिलेगा, गैंगस्टर वाला एंगल देखने को मिलेगा, ड्रग्स वाला एंगल देखने को मिलेगा, उसके साथ ही साथ जो इनकी फ्रेंडशिप होने वाली है तीन लोगों की वो भी देखने को मिलेगी, एंड ऑफकोर्स नोरा फतेही भी है इस मूवी में, वैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट अ रोल। और इस मूवी के कास्ट में जैसे तुम तीन लोग अपने मेन तो देख ही सकते हो, जो तीनों फ्रेंड्स है उनमें एक है प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी और दिव्येंदु शर्मा। साथ ही साथ मैंने नोरा फतेही की बात तो कर ही ली, लेकिन अभी एनिमल मूवी में काफी ज्यादा फेम पाने वाले उपेंद्र लिमहे भी है इस मूवी में, जो वो गैंगस्टर वाला रोल प्ले करेंगे, और उनके साथ छाया कदम भी देखने को मिलेंगी, वो भी एक लेडी गैंगस्टर होने वाली है। एंड इंटरेस्टिंगली इस मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर है कुणाल खेमू, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ट्रेलर देखते देखते मुझे काफी सारे इंस्टेंसेस पे दिल चाहता है मूवी की याद आ रही थी, ZNMD की याद आ रही थी, गो गोवा गॉन की याद आ रही थी। एंड इफ यू नोटिस जो मूवी का ट्रेलर जहां पर शुरुआत होता है वहां पे हमें एक थोड़ी सी ट्यून सुनाई देती है, और वो ट्यून है दिल चाहता है मूवी की। जाने का यार, यही तो उम्र है जाने की, घर अब नहीं जाएंगे या कॉलेज खत्म होने के। एंड ऑफ कोर्स दिल चाहता है एंड ZNMD, दे आर ऑल मेड बाय द सेम प्रोडक्शन कंपनी व्हिच इज मेकिंग दिस मूवी, एंड दैट प्रोडक्शन हाउस इज एक्सेल एंटरटेनमेंट। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, क्योंकि यू नो तीन दोस्त फ्रेंडशिप गोवा जाते हैं, अलग अलग कांड होते हैं उनके साथ, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर फन टू वॉच। मैं डरने का क्या है, मैं उन्हें सब संभाल लूंगा। I love Goa. ये 10 मिनट के रैम्बो, ये कोक के जोश में ना अपना होश मत खो। और मुझे इनकी मार्केटिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेलर से पहले उन्होंने कुछ कास्ट अनाउंसमेंट वाले वीडियो डाले थे और कास्ट इंट्रोडक्शन वाले भी वीडियो डाले थे, तुम भी जाके वो देखना, तुम्हें काफी ज्यादा हंसी आएगी उसके देखते हुए भी। तो वो एक यूनिक स्ट्रेटेजी थी उनकी मार्केटिंग के भी, दैट इज अगेन प्रीटी गुड टू सी फ्रॉम एक्सेल। ये मूवी वैसे आने वाली है 22nd of March को, एंड आई थिंक अगर ये मूवी की जितने भी जोक्स वगैरह लैंड होते हैं, एंड इफ Eventually this movie becomes a good movie, then I have no doubt कि जितने भी young adults है, दोस्त लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस movie को भारी मात्रा में देखने जाएंगे, और जो वैसे बड़े बड़े groups होते हैं, 6-7 लोगों के दोस्तों के groups होते हैं, वो तो definitely इस movie को देखने जाएंगे, and especially जो तीन लोगों का group है वो तो जाएंगे ही जाएंगे। So anyways, I am pretty excited to see this movie, और मुझे please comments बताओ कि तुम्हारे क्या thoughts थे इस movie के बारे में, I mean इस trailer के बारे में। और अगर तुम हॉलीवुड सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ये तुम्हें लेके जाएगा मेरे दूसरे चैनल पर जिसका नाम है पीकी इनसाइट्स, वहाँ पे हम हॉलीवुड सिनेमा पे बातें करते हैं और यहाँ पे हम इंडियन सिनेमा पे बातें करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।